मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज ईआरपी ऑपरेशंस मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट ऑल सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टअप उड़ीसा जो स्टार्टअप्स हैं उनको 20,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड देता है, जो रजिस्टर्ड है उनके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 15 लाख रुपये की सहायता देता है, जिनको अलग से सहायता की ज़रूरत होती है उनको अलग से देता है। हमारे पास अभी उड़ीसा में भुवनेश्वर में 4 लाख स्क्वायर फीट का एक ओ हब है जो स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए सपोर्ट के लिए बना हुआ है। 23 इंक्यूबेटर हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के जैसे आईएम जैसे संस्थानों के साथ मिलकर भी हम इंक्यूबेटर चलाएंगे। पूरे उड़ीसा में जो विश्वविद्यालय हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें स्टार्टअप के लिए सपोर्ट के लिए पूरा इकोसिस्टम बनेगा। अभी हम लोग अपनी पॉलिसी को फिर से बदल रहे हैं, उसमें और आकर्षक बना रहे हैं। हम इनके साथ मिल करके जो यहाँ के वीवर्स हैं जो क्राफ्टमैन हैं आर्टिस्ट हैं जो हैंडीक्राफ्ट के में लगे हुए लोग हैं जो हैंडलूम से लगे हुए लोग हैं तमाम तरह की वीविंग की टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको एक ब्रांडिंग करना उनकी उनकी मार्केटिंग का सपोर्ट देना उनको उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाना उनकी ट्रस्टेबिलिटी ट्रस्ट बढ़ा के उसको इस तरह से करना ताकि उनके जो उत्पाद हैं उसका ज़्यादा दाम इन्हें मिले। तो इस तरह का प्रयास आईएम और स्टार्टअप उड़ीसा मिल के साथ करेगा। वहाँ हम लोग मिल करके एक इंक्यूबेटर चलाएंगे जो आईएम के ऐसे छात्र जिनके अंदर उद्यमी बनने का सपना है उनके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसको स्टार्टअप में वो बदल सकते हैं तो हम दोनों मिल के उनको सहायता देंगे। वो इंक्यूबेटर में काम करेंगे स्टार्टअप उड़ीसा से वो रजिस्टर्ड होंगे उनको हम इंसेंटिव देंगे उनको मेंटरिंग सपोर्ट उनको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट उनको उनको गो टू मार्केट सपोर्ट। सरकार के अंदर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसी है जिससे सरकार भी उनको सपोर्ट दे सकती है उनके उत्पाद अगर सरकार के योग्य होंगे तो उनको भी हम परचेज ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरह से तमाम जो सहयोग हम स्टार्टअप्स को दे सकते हैं वो देने का हम लोग साथ में काम करेंगे। आज जो हमारे हमारे एडमिशन में 208 सीट था और उसमें सब मिला के मेरे ख्याल से 200 के आसपास आए हैं क्योंकि कुछ सीट्स जो डिसेबल के लिए रिजर्व होता है उसको हम लोग नहीं भरते हैं तो उसमें शायद खाली हो 3-4 सीट बट सारे 100% फुल हुआ है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और कौन कौन सा स्टेट से आए हैं सर? इसमें ऑलमोस्ट 17 से 18 स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स हैं कंट्री के, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं साउथ के भी तो भरे हुए हैं, केरला से हैं महाराष्ट्र से हैं गुजरात से हैं दिल्ली से हैं हरियाणा से हैं इवन जम्मू कश्मीर से हैं सर, ऑल ओवर जम्मू से कन्याकुमारी तक आपको हर स्टेट के मिलेंगे और उड़ीसा से भी हैं कुछ। और मोर देन 40% गर्ल्स हैं एंड मोर देन 40-50% वर्क एक्सपीरियंस है मोर देन 1-2 ईयर्स। ये 8th बैच है एमबीए का। यहाँ का जो एमबीए प्रोग्राम है वो तो रेगुलर रहेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वो तो चलेगा, लेकिन हमको अपने साथ में बिकॉज डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा आईएम कैसे अलग है तो उसके लिए हमने एक हमारा जो 3I का प्रिंसिपल है इनोवेशन इंटीग्रिटी इंक्लूसिवनेस, सो इंक्लूसिवनेस के प्रिंसिपल में इनको हमारे जो एरिया के जो बच्चे हैं यहाँ के एज ए पायलट 5-5 बच्चे को एक एक स्टूडेंट उसको अडॉप्ट करेंगे और उसको स्मार्ट ग्रूम करेंगे। वो हम लोग ऑलरेडी संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी के साथ MOU है उसमें एक प्रोफेसर को हमने कोऑर्डिनेट बना दिया है यहाँ से, वो उस प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और उनको जाएंगे वहाँ पे और उनको यहाँ भी बुलाएंगे जो हमारा परमानेंट कैंपस में और उनको वीक में 1 दिन 2 दिन जब भी टाइम मिलेगा इनको उनको अलग से एजुकेशन देंगे सो दैट उनका लाइफ में एस्पिरेशन बढ़ाना उनको लाइफ में कैसे एक स्टीम लाना, क्योंकि कई बार झिझक होता है गरीब बच्चे होते हैं उनको बोलना नहीं आता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो पर्सनालिटी डेवलप करेंगे उनको बताएंगे लाइफ में क्या क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन के थ्रू। तो एक तो वो करना है और 2 साल का इनके पास टाइम है तो 2 साल में उन और उन जो भी बच्चे हैं हमारे मान लो 1,000 बच्चे होते हैं सब मिला के 5-5 किया तो उन सबको हम लोग कन्वोकेशन में जो स्पेशल गेस्ट भी बुलाएंगे स्मार्ट बना करके बिल्कुल टिप टॉप उनको भी लगे कि हाँ ऐसे बनना है हमें। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने किया है कि ऑलरेडी हमने वीविंग कम्युनिटी जो है आर्टिस्ट कम्युनिटी हैं वो बहुत हाई आर्ट है उनका, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको टेक्सटाइल लेबर की तरह ट्रीट किया है तो जो मार्केट में जो बेचते हैं बना करके लेबर की तरह। अब उस आर्ट का स्टीम होता है एक सेल्फ स्टीम कि वो आर्टिस्ट है वो हर आदमी नहीं कर सकता और वो उस प्रोफेशन से भी इधर उधर जा रहे हैं तो उस प्रोफेशन में उसको इंटेक्ट करके उनकी प्राइड को बढ़ा के तो इनकम कैसे बढ़ेगा, नया मेथड नया टेक्नोलॉजी से सबका इनकम बढ़ रहा है, अमेरिका आगे कैसे बढ़ा वो अपने से नीचे वालों को इनकम बढ़ाते हैं तो उनका इनकम बढ़ता है फिर वो एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे तभी ना बढ़ेगा, हम अपने ही बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा तो अपना इनकम तब बढ़ाएंगे। हमने ये कहा है कि तुम उनका इनकम डबल करो हम तुम्हारा इनकम ट्रिपल करेंगे, ठीक है, फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट हो प्लेसमेंट में इस तरह से मॉडल क्रिएट करेंगे कि आप उनका कैसे मेथड से एज ए पायलट करके डिजिटल टेक्नोलॉजी से उसका रीच बढ़ाइए उसका प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनवाइए
उसको और एजुकेशन दीजिए और अच्छे से नए मार्केट में उसको एक्सेस कीजिए, वो एक प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं और स्टार्टअप एक कंपनी क्रिएट करेंगे अंदर, वो करेगा उनको सारा स्टूडेंट का वॉलंटियर करके। वी हैव जॉइन आई एम संबलपुर फॉर 8th बैच ऑफ द पीजीपी प्रोग्राम एंड टुडे वाज आवर इंडक्शन। वी आर एंजॉयिंग आवर इंडक्शन एंड देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन द कैंपस व्हिच कीप अस एंगेज थ्रू आउट द डे, इवन लेट एट नाइट वी आर हैविंग फन विद सीनियर्स। So it's a pretty buzz over here. We had special guests coming in from different industries to talk. Our director members were there, and they introduced us to what the curriculum is going to be, what changes they are thinking to get in the next 5 years, what are their visions for the college, and it was truly very motivating and inspiring. So I think we are pretty excited for the journey which they're introducing this new thing where students from first year, everybody will have to adopt at least 4 underprivileged children from the local region, and we'll have to interact with them and teach them certain life skills and communication skills. And I think it's a really good, innovative and very sensitive move towards the society, giving back to the society as this IIM believes in. So I think it's really good. And other than that, they are also having talks about expanding the handloom and the handcraft, art crafts of the Odisha local state, and doubling their family incomes by expanding their arts and whatever the creative arts to the world outside. So that was really good for us. So it's really good being in an IIM. It's the prestigious IIM. The IIM is everyone's dream. So it has been my dream from the time when I started preparation for CAT. So I'm really happy that I've joined an IIM, the premium institute of India. So the IIM Sambalpur is really, really good, and it is trying to give back to the society with its many programs. So one program is such that we have to adopt a few children, and we have to make them gain, and we have to make them be ready for the future, and we have to help them to be future ready. So it's great giving back to the society and helping the state of Odisha to develop. So I'm really proud to be a part of such prestigious institute. So I'm really happy that we are giving back to the society.